हेलो एवरीवन, संगीता खुराना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी पड़ रही है, सुबह मन करता है कि कुछ गरम गरम मीठा पीठा खा लें, तो चलिए मेरी किचन में। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बेसन का हलवा। तकरीबन मेरे रिलेटिव्स कहते हैं या मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो चलिए मैं किस ट्रिक से उसको बढ़िया बनाती हूँ, आइए बनाते हैं। मान एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये मेरे पास जिस कटोरी से मैं बेसन लूंगी उसी कटोरी से मैं चीनी लूंगी, उसी कटोरी से मैं पानी लूंगी। ये मेरे पास बेसन है, एक्चुअली ये बेसन है काफी महीन, मींस काफी बारीक है, तो जब हम बेसन का हलवा बनाते हैं तो वो उसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो उसकी गांठें छुड़ाने के लिए वो एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक कटोरी बेसन डाला है, मैं 1.5 कटोरी बेसन ले रही हूँ, इसका हलवा बना रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बना रही हूँ। अब जैसे मैंने एक कटोरी डाला है, एक कटोरी के हिसाब से 1 टेबलस्पून सूजी, मतलब मैंने 1.5 डाला है बेसन, तो 1.5 टेबलस्पून मैं सूजी डाल रही हूँ, आधी की आधा चम्मच सूजी। अब इसको अच्छे से छान लेंगे हम। वैसे तो ये काफी साफ होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, पर इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए। बेसन के हलवे के साथ ये बड़ी मुश्किल होती है। सूजी का हलवा, आटे का हलवा आराम से बन जाता है, पर बेसन के हलवे में जब हम इसको घी में डालने के बाद जब हम शुगर सिरप डालते हैं तो इसमें कांठे पड़ जाती हैं। अगर पहले से ही कांठे होगी तो वो पक्की हो जाती है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से साफ है। ये मैंने 1.5 कटोरी बेसन छान ली है और साथ में सूजी डाली है और चीनी, जैसे मैंने आपको बोली है 1.5 कटोरी बेसन है तो कायदे से 1.5 कटोरी ही चीनी होनी चाहिए। ये मेरी कटोरी वही है जिससे मैंने बेसन नापा है, पर ये मैं 1.5 नहीं डाली, 1 प्लस 1/4 डाल रही हूँ, क्योंकि चीनी इकट्ठी होके ज्यादा हो जाती है तो फिर इतना ज्यादा मीठा खाया नहीं जाता। मैंने 1 प्लस 1/4 कटोरी इसमें डाला है। अब इसका डबल पानी हो जाएगा, इसमें 1.5 बेसन है, 1 प्लस 1/4 चीनी है और 1.5 का हो गया डबल, 3 कटोरी पानी, पर मैं इसको थोड़ा सा ढीला करने के लिए 4 कटोरी पानी डालूंगी। अब मैं इसमें 4 कटोरी इसी के ही नाप में पानी डाल रही हूँ। काफी इजी हलवा है और मेरे घर पे तो ये सर्दियों में बनता ही रहता है। 3 और 4 मैं ये शुगर सिरप बनाऊंगी, शुगर सिरप डाल के इसको बनाऊंगी। पानी चाहे थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा डालना चाहो तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा बनता है। ये देखिए मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी और पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है। इसका पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जब तक हमारी सूजी या बेसन अच्छे से भुन ना जाए। हमने पानी ठंडा नहीं डालना, गर्म डालना। और इधर मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई रख ली है, अगर बाई चांस हमारे को हिलाने में दिक्कत आ रही है तो जले नहीं जल्दी। और अब मैं इसमें, जैसे कि आपको मैंने बताया 1.5 कटोरी बेसन है और 1.25 कटोरी चीनी है और इसमें डबल का थोड़ा सा ज़्यादा 4 कटोरी पानी है और ये 1 कटोरी मैं घी डाल रही हूँ पूरा नाप के। वैसे इसमें एक्यूरेट सब कुछ डाल के बनाओ तो ठीक बनता है, पर थोड़ा सा हलवा जैसे हमारे इंडियंस को आदत होती है कि थोड़ा सा बहता हुआ घी आए, तो उसके लिए आप 1.5 कटोरी ही डालना, पर मैं 1.25 कटोरी घी डाल रही हूँ। ये जमा हुआ है इसलिए मेल्टेड फॉर्म में इतना ज़्यादा दिख रहा है। और ये मेरा घी भी गाय का है, पतंजलि का मैं यूज़ करती हूँ, तकरीबन मेरे घर में देसी घी पतंजलि का ही यूज़ होता है जो भी आइटम मैं बनाती हूँ। आप इसको मेल्ट करना है, फुल गैस पे रखोगे तो चीनी बॉटम पे लग भी जाती है। अब ये मेरा ऑयल सारा मेल्ट हो गया, ऑयल नहीं देसी घी।
अब मैं इसमें छना हुआ बेसन और सूजी डाल रही हूँ। अब मैं इसको मीडियम गैस पे करूंगी। तेज पे तो ये ब्राउन 2 मिनट में हो जाएगा, पर हमारे को इसमें स्वाद भी बनाना है तो ये मैं मीडियम गैस पे करूंगी। या सूजी जब भी हम बनाते हैं तो जब भूनने के लिए डालते हैं उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। जब ये अच्छे से भून जाएगा ये नीचे बॉटम पे बैठ जाता है और घी ऊपर बह रहा है। ये देखिए इसकी झाग भी थोड़ी बैठ गई है और बेसन का कलर भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है। और इधर मेरे पानी में जो शुगर सिरप बनाया है इसमें बबल्स आ रहे हैं। अगर इसमें पहले बबल आ जाए तो मैंने गैस नहीं बंद करनी, हमारे को ये उबलता हुआ ही पानी चाहिए। ये देखिए बेसन बैठ गया, अब इसमें थोड़ी सी झाग है पर इससे ज्यादा मैं इसको भूनूंगी नहीं, ये तो चॉकलेट कलर का बन जाएगा। अब मैं गैस स्लो करके इसमें जो शुगर सिरप उबल रहा है ये मैं डालूंगी। अगर आप चाहो तो इसको पहले छान के किसी बड़े कंटेनर में तब डाल सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा डाल लेती हूँ इसलिए थोड़ा आपको रिस्की लगे तो ध्यान से डाल। थोड़ा सा मैंने अपने आप को पीछे कर रखा हुआ है ताकि इससे छींटे ना पड़े। और गैस मेरी बिल्कुल स्लो है, थोड़ा से इसके बबल्स उड़ते हैं पर डरने की कोई बात नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा गैस से दूर खड़ा करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, गैस मेरी स्लो है। और अब इसी टाइम पे मैं किशमिश भी डाल देती हूँ। किशमिश ना चाशनी के साथ फूल जाती है, और बादाम भी मैं डाल रही हूँ, उसमें ये मर्च हो जाती है। अब इसको मैं गैस तेज करके इसका पानी ड्राई करूंगी। अब गैस मैंने तेज कर ली है और इसको गोल गोल, थोड़ा यहाँ पे दमखम ज्यादा लगता है तो इसको गोल गोल घुमाती रहूंगी। अब वैसे रिस्क वाली कोई बात नहीं है। अब ये अच्छे से जब भून जाएगा ये अपने घी को छोड़ देगा। इसको गोल गोल घिसती जा रही हूँ और गैस मेरी तेज है, थोड़ा सा दम तो लगता है पर जब ये अच्छे से खिलाने से इसकी जो थोड़ी बहुत गांठें रह जाती है ना वो भी डिजोल्व हो जाती है। ये देखो ये सारा इकट्ठा हो गया, जब अच्छे से भून जाता है ये बॉटम छोड़ देगा। ये देखो गोल गोल घूम रहा है। अब 2 मिनट बाद इसका घी भी जितना डाला है ना वो निकल आएगा, बस वो घी निकलना शुरू हो जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी। इसका पानी डालने के बाद 3 से 5 मिनट लग जाते हैं ऐसे गोल गोल घुमाने में। गोल गोल घुमाने का मतलब ये है कि परफेक्टली हमारा हलवा बन चुका है। ये देखिए इसके कॉर्नर पे हल्का हल्का घी दिखना शुरू हो गया, ये निकल आया। तो अब मैं ये देखो कैसे गोल घूम रहा है और मैं अब गैस बंद कर रही हूँ। देखिए मेरा गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, बेसन का हलवा तैयार हो गया है और इसका स्वाद भी गरम गरम खाने में ही है। और आप ही ऐसे बढ़िया सी, मैंने वैसे अपनी चैनल में पहले एक बेसन का पाना भी डाला था और उसके बाद खजूर का भी हलवा डाला हुआ है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आपने वो वाले भी हलवे देखने हो तो देख सकते हैं। और ऐसे ही मीठी सी बढ़िया सी आइटम के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये मैं ऊपर से छोटी इलायची पीसी हुई डाल रही हूँ। और आपने और भी कुछ ड्राई फ्रूट डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं ऊपर से नारियल का चूरा डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट वगैरह तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हो। इसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।